हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनोड एप्लीकेशन 10 मिनट में आप किस तरह से बनाएंगे। साथ में हमने आपको कोड भी शेयर किया है, तो उस कोड पर लेके आप इजीली 10 मिनट में एप्लीकेशन बना सकते हैं। सबसे पहले आपका एनोड स्टूडियो स्टार्ट कर दीजिएगा। एम्प्टी प्रोजेक्ट आपको लेना है। एम्प्टी प्रोजेक्ट लेने के बाद में यहाँ पर आपका जो भी एप्लीकेशन नेम है वहाँ पर डाल देना है आपको। एप्लीकेशन नेम मेरा BTT ग्लोबल है, मैं यहाँ पर BTT ग्लोबल एप्लीकेशन नेम डाल दे रहा हूँ। तो जैसे ही आपने BTT ग्लोबल यहाँ पर एप्लीकेशन नाम डाल दिया, उसके बाद आपको जाना है नीचे, जो भी लैंग्वेज है तो जावा रखना है, जावा में हम बना रहे हैं, कॉटलिन मत रखिएगा। उसके बाद में मिनिमम SDK जो भी हो वो ले लीजिए आप। उसके बाद में उसको फिनिश कर दीजिएगा। फिनिश करने के बाद में आपका एक ऑलरेडी कोड यहाँ पे एंड्रॉयड का बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी एप्लीकेशन का कोड यहाँ पर शो होने लगेगा। सबसे पहले फाइल दिखेगी आपको मेन एक्टिविटी डॉट जावा। तो मेन एक्टिविटी जावा जो मैंने कोड दिया है उसमें का जो कोड है इंपोर्ट के नीचे का पैकेज का कोड छोड़ दीजिएगा। इंपोर्ट जो से स्टार्ट कीजिए उसको पूरा कॉपी कर लीजिए नीचे तक। जैसे ही कॉपी कर लेंगे तो इसको उठा के आपको जाना है आपकी मेन एक्टिविटी डॉट जावा में। उसका जो पुराना कोड है इंपोर्ट के नीचे से वो डिलीट कर दीजिए और नया कोड वहाँ पर पूरी तरह से डाल दीजिएगा और उसको सेव कर दीजिए उस फाइल को। बाद में आपको जाना है activity_main.xml। इस फाइल में जाकर पुराना मैंने जो कोड दिया है उसको कॉपी कर लीजिए और आपके नए फाइल का कोड वहाँ पर शो होगा। उसको आपको कोड व्यू कर कीजिएगा वहाँ पर। कोड व्यू करने के बाद में उस पुराने कोड को पूरा डिलीट कर दीजिएगा और नए कोड को वहाँ पर डाल दीजिए आप लीनर लेआउट। तो वहाँ पर डालने के बाद में उसको भी सेव कर दीजिएगा। सेव होने के बाद आपको अभी नया फाइल यहाँ पर देखना है। तो नया फाइल होगा आपका android mainface.xml। तो ये मेनफेस में साइड में लेफ्ट साइड के फोल्डर में आपको मिलेगा। फिर से अभी मैंने जो कोड दिया है आपको वो यहाँ पर आपको नीचे यूज़र परमिशन से उठाना है। पूरा यूज़र परमिशन से कोड कॉपी कर लीजिए। उसके बाद में आपकी android mainface.xml में चाहिए, वहाँ पर आपका एप्लीकेशन का जो कोड था उससे नीचे पूरा कॉपी कर लीजिए और वहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। जैसे ही पेस्ट कर दिया तो बाद में आपको रेड दिखेगा वहाँ पर। आपको थीम में style_theme, उसके बाद में वहाँ पर आपको जो प्रोजेक्ट नेम होगा वो मेरे प्रोजेक्ट का नेम होगा, वहाँ पर आपको आपके प्रोजेक्ट का नेम वहाँ पर एंटर करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर BTT डाल दिया तो डायरेक्ट मेरा ये एप्लीकेशन यहाँ पर नेम शो हो रहा है। साथ में आपको फर्स्ट कैपिटल लेना है और स्पेस के बाद जो भी वर्ड लेंगे उसको भी कैपिटल लेना है। उसके बाद में आपको जाना होगा रेस। रेस में आपको अभी XML के एक फाइल का रेड बता रहा है कॉन्फिग का, उसको न्यू फाइल क्रिएट करना है। डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी बना लीजिए आप रेस में। XML नाम की एक डायरेक्टरी हम बना लिया है यहाँ पर। डायरेक्टरी बनाने के बाद में फिर आपको फाइल बनाना है उसके अंदर, ठीक है, network_security_config। तो हम उसको राइट क्लिक करेंगे और न्यू फाइल यहाँ पर करेंगे XML की, और यहाँ पर वो नाम हम पेस्ट कर रहे हैं network_ वाला, और उसको ओके करके यहाँ पर वो फाइल क्रिएट हो चुकी है। अभी मेरे पास जो नेटवर्क सिक्योरिटी का जो कोड है मैं उसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा। एज इट इज़ कॉपी करके मैं उसको उसी फाइल में जो मेरा नेटवर्क सिक्योरिटी का है मेरे एप्लीकेशन में वहाँ पर डालकर मैं उसको पेस्ट कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है और इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। अभी यहाँ पर एक एरर शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर नीचे जो मैंने पूरा कोड जब मैंने कॉपी किया था कुछ मुझसे छूट गया था। तो मैं अभी उसको क्लोजिंग वाला टैग मुझसे बाकी उसको अभी मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। देखिए अभी मुझसे वो रेड साइन हट गया यहाँ से। अब मैं इसको फिर से सेव कर दे रहा हूँ। सेव करने के बाद मेरा पूरा कोड यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब मुझे मेन एक्टिविटी डॉट जावा इस फाइल में मुझे वेबसाइट URL चेंज करना है, क्योंकि मुझे जो शो करना है उस वेबसाइट का ही URL मुझे पाथ यहाँ पर डालना है। तो मैंने यहाँ पे btt.online, ये मेरा जो वेबसाइट है वो मैंने डाल दिया है। आप वहाँ पर आपका खुद का वेबसाइट डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना है। तो मैंने अभी वहाँ पर तो डाल दिया है। अभी मैं जाऊँगा सेव करने के बाद मुझे जाना है बिल्ड में। बिल्ड में जाने के बाद में मैं फर्स्ट बिल्ड यहाँ पे कर लूँगा। बिल्ड यहाँ पर आप थोड़ा पॉज करके स्लो करके देखिएगा क्योंकि मैंने थोड़ा फास्ट लिया है यहाँ पर।
जैसे मैं बिल्ड कर देता हूँ यहाँ पर प्रोसेसिंग में ये चला जाता है, एक कुछ टाइम लेगा प्रोसेसिंग के लिए। नीचे आपको ग्राइडल घूम रहे हुए दिख रहा होगा, ठीक है, गोल गोल घूमता है ग्राइडल। उसके बाद में कुछ टाइम लेने के बाद में ये आपका एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा और राइट साइड में आपको शो होने लगेगा, देखिए बिल्ड एपीके सक्सेसफुल। तो लोकेट के ऊपर मुझे क्लिक करना है, यहाँ पर मुझे मेरी जो फाइल है ऐप डिबग डॉट एपीके, इसको उठा के मैं व्हाट्सएप पे ले रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको इंस्टॉल करना है मेरे अपने मोबाइल में और मुझे देखना है कि ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने इसको मेरे व्हाट्सएप पे ले लिया है। व्हाट्सएप पे लेने के बाद जैसे ही आ जाता है वेब व्हाट्सएप से, मैं इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर लूँगा मेरे मोबाइल में। इंस्टॉल करने के बाद में इस तरह का व्यू मुझे दिखाई दे रहा है, ये देखिए एप्लीकेशन मेरे मोबाइल में रन होने लगा है, ये अभी अभी हमने बनाया है। तो देखिए किस तरह से पूरी तरह से एप्लीकेशन अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। मेनू के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं जो भी पेज पे जाऊँगा उस पेज पर मैं जा सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन बना पाएंगे आपका वेब व्यू का बहुत ही आसान तरीके से। पूरा कोड मैंने दिया है, उसको यूज़ कीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन को किस तरह से आप लोगो लगाएंगे और आइकॉन को सेट करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर आपको फाइल में जाना है, वहाँ पर आपको न्यू दिखेगा। जैसे ही न्यू के ऊपर जाएंगे तो आपको इमेज एसेट वहाँ पर शो करेगा। इमेज एसेट पे आने के बाद में यहाँ पर आपको पाथ सेव अकाउंट दिखेगा और उसके नीचे आपको टाइप दिखेगा। तो वहाँ पर आपको इमेज लेना है, इमेज लेने के बाद में आपको पाथ लेना है। पाथ लेने के बाद में जहाँ पर आपने जो इमेज आइकॉन का जो इमेज होगा वहाँ रखा होगा उसको फाइंड आउट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर मेरा जो डाउनलोड में मैंने रखा रख दिया है इमेज फाइल को, तो मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ उसको। तो मैं उसको यहाँ पर फाइंड आउट करूँगा, जैसे ही मुझे मिल जाता है तो मैं यहाँ पर उसको ऐड सेलेक्ट कर लूँगा। नीचे मुझे ओके का ऑप्शन दिख रहा है, उसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। दोस्तों, इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए हमारी कंपनी जो है आपको पर एप्लीकेशन के ऊपर 300 रुपीज़ देंगी और इस एप्लीकेशन को आप 30 मिनट में बना सकते हो। जो हमने आपको कोड्स वगैरह दिया है उसका यूज़ करके आप सिर्फ 30 मिनट में एप्लीकेशन बना सकते हो और आपको पर एप्लीकेशन पर 300 रुपीज़ मिलेंगे। और एप्लीकेशन कौन सा बनाना है उसका डिटेल्स हमारे कंपनी से आपको मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे डाउनलोड फोल्डर में मैं आ गया हूँ, तो अब मुझे यहाँ पर मिल जाएगा वो अभी मेरा जो इमेज है। तो आपको भी थोड़ा ध्यान से रखना है कि कहाँ पर आपने इमेज को सेट किया है। देखिए यहाँ पर इमेज शो हो रहा है, नीचे यहाँ पर रीसाइज करके ऑप्शन दिखाई देगा। उसके ऊपर आपको क्लिक कर कर उसका सेटिंग करना है, यानी कि ठीक से दिखना चाहिए, कुछ कट ना जाए टेक्स्ट उसमें, उसको सेट कर लीजिएगा। मेरा यहाँ पर टेक्स्ट कट जा रहा है तो मैं उसको रीसाइज कर लूँगा। तो रीसाइज करने के लिए आपको इसको पेंट में ओपन करना होगा। पेंट में आप इसको ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही आप इसको पेंट में ओपन कर लेते हैं तो इसका साइज 512x512 होना चाहिए हर साइड से, तो ये और साइज़ हो गया है। तो मैं उसको रीसाइज कर रहा हूँ, तो देख लीजिए किस तरह से मैं उसको रीसाइज कर रहा हूँ पेंट में। तो पेंट से ही मैं उसको रीसाइज कर लूँगा और इसको बाद में मैं सेव कर दूँगा। तो और उसको ही रिटर्न में उसको यूज़ करूँगा। जैसे मैं रिसाइज कर लूँगा तो उसके बाद ये सेट हो गया और मैं इसको सेव कर दूँगा। रिसाइज मेरा वो एक्टिव नहीं हुआ था जो एडिट किया था मैंने, तो मैं फिर से यहाँ पर उसको रिफ्रेश करके मुझे फिर से वो कनेक्ट करना होगा, क्योंकि जो मैंने अपडेट किया है पेन में तो वो यहाँ पर अपडेट नहीं हो रहा है। तो आपका भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसके लिए जब आप इमेज सेट करेंगे तो उसके पहले ही आपको उसका रीसाइज कर लेना चाहिए। तो 512x512 का साइज़ रखिए आप पिक्सल का, और उसको रीसाइज करने के बाद उसको लगा दीजिए यहाँ पर। जैसे आपका सेट हो जाता है उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है और उसको सेव कर देना है फाइल को। सेव करने के बाद आपका इमेज आइकॉन यहाँ पर सेट हो जाएगा। ये देखिए मेरा भी ठीक से ग्लोबल यहाँ पर बैठ रहा है, तो मैं इसको अभी सेव कर देता हूँ और नेक्स्ट करके सेव कर देना हूँ।
ठीक है, और इसको फिनिश, यहाँ पर आपको एरर दिखाई देंगे वो, इसको आने दीजिए और इसको फिनिश कर दीजिए। जैसे फिनिश कर दिया तो आपका ये सेट हो गया है।